हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पहुंच चुके हैं अभी गोवा पर, और जहां हम रुके हुए हैं ये है वो जगह। तो अभी मैं दिखाने जा रहा हूं, जिस जगह पर हम लोग रुके हैं वो होटल है ये, जो आपके सामने नज़ारा है इस होटल का। आइए चलते हैं आगे, अभी आपको वीडियो दिखाता हूं पूरी गोवा की, जिसके बाद हम जाने वाले हैं। तो अब मैं और कल्पना पहुंच चुके हैं गोवा, गोवा के बागा बीच पर। और जो यहाँ की लहरें हैं, पूरे गोवा में सबसे ज़्यादा उठने वाली लहरें हैं बागा बीच पर। तो अभी हम लोग बागा बीच पर पहुँच गए हैं और देखते हैं यहाँ के शानदार नज़ारे। आप भी बने रहे हमारे साथ पूरी वीडियो में। तो यहाँ मैं समुद्र के पास, और यहाँ के नज़ारे अलग और अलग खास। आइए चलते हैं आगे। इस जगह का नाम है बागा बीच। तो अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं एकदम नजदीक समुद्र के, और दिखाते हैं आपको कैसा होता है समुद्र में। अभी हम समुद्र के एकदम नजदीक, और जो इसकी लहरें हैं ये देखिए, जो इसकी लहरें कितनी उठ के आ रही हैं। लहरें आप देख रहे हैं सामने, ये कल्पना के द्वारा डिजाइन बनाया जा रहा है यहाँ पर। ये लिखा है कल्पना ने यहाँ पर, आई लव अर्जुन। तो यहाँ पर लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, और मोटर बाइक, जो सामने लहरें आ रही हैं, और जो अभी सामने सूरज और यहाँ पर लहरें आ रही हैं, किस तरीके से आ रही हैं ये देखिए। सामने लहर आ गई है बिल्कुल पास लहर। अपना को क्या मिल गया, मोती मिल गया क्या? नहीं, मोती के बाद कवर मिल गया। और ये देखिए, ये मैं और कल्पना है सामने, और पीछे लहरें आ रही हैं काफी तेज, और जब पांव पर उनका एक अलग सा एहसास हो रहा है, और काफी मजा आ रहा है। कल्पना कितना मजा आ रहा है? काफी मजा आ रहा है हम लोग को, और एक अलग एहसास हो रहा है। ये देखिए कैसे लहरें उठ रही हैं एकदम अलग अंदाज में, और इस जो समुद्र का मजा है, ओहो, वहां से जो लहर उठ के आई है अभी, एक अलग ही तरीके से लहर उठ के आई है। और ये लहर, ओहो, मजा आ रहा है अभी। और यहाँ की जो देखिए, यहाँ के नज़ारे ही अलग हैं, अलग सा नज़ारा, अलग से मजे। और इस यहाँ इस समय जो आ रहा है अभी हमें बागा बीच पर, सामने बागा बीच है, तो अलग मजा आ रहा है इस समय यहाँ का, आनंदमय। यहाँ पर जो लहरें आ रही हैं वो कमर तक आ रही हैं, पूरी लहरें, जो लहरों का बहाव एकदम कमर तक हमारे। तो आप लोग भी आए गोवा और फुल एंजॉय करके जाएं। मैं एक यहाँ पर फिश दिखी है, और ये है जेली फिश। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी ऐसी फिश, और पता नहीं कितने प्रकार की फिश है इस समुद्र के अंदर, पता नहीं। आप लोग को दिखाता हूँ मैं और नई चीजें, आइए चलिए मेरे साथ। सामने चारों ओर पूरा समुद्र, और जो समुद्र की लहरें आ रही है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे इसलिए मजा आ रहा होगा। कई लोगों ने देखा होगा यहाँ पर इस तरह के नज़ारे, उनको और ज्यादा यहाँ पर आने की फिर से मन में एक इच्छा उठ रही होगी कि जाया जाए, कि क्या मजा आता करके। ये नज़ारे हैं, ओहो, ये जो अभी एक आवाज है, एक साउंड, वो अलग सा नज़ारा है यहाँ पर। अभी पर राफ्टिंग करने के लिए क्याक भी मौजूद है अलग अलग प्रकार की। पीछे से एक लहर और उठ के आ रही है, और ये जो सूर्य की इस समय रोशनी पड़ रही है समुद्र में, मानो अलग एहसास। ये देखिए, ये यहाँ पर बाइकर्स क्या मजे ले रहे हैं बाइकों के। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, है हुक्का है? अच्छा, तो यहाँ पर ये हुक्के की भी व्यवस्था है अगर कोई आते हैं तो। और ये यहाँ के रेस्टोरेंट, और ये यहाँ का शानदार नजारा। तो देखते हैं रेस्टोरेंट में क्या क्या खाने को मिलता है, उस हिसाब से हम लोग खा पी लेते हैं। तो कल्पना आगे तक का घूम गए, चलो। और अभी जो सनसेट देखिए, बिल्कुल अलग लग रहा है यहाँ से, बिल्कुल अलग एकदम। तो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे हैं, और अभी अलग सी यहाँ की जो रौनक है, इसका अलग एक मजा है। और म्यूजिक भी लगा हुआ है, आप लोग
ध्यान से सुन सकते हैं कि म्यूजिक भी यहाँ पर एक अलग तरह का लगाया जा रहा है, जिसको ओनली म्यूजिक केवल। आगे आगे आते रह रहे हैं और अलग अलग नज़ारे यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबके लिए टेबल और चेयर सजाई गई हैं, कोई भी बाहर से पर्यटक आते हैं उनके लिए हुक्का ये सब यहाँ पर दिया जाता है और उसका एक अच्छा चार्ज किया जाता है, जिससे कि पर्यटकों को यहाँ पर आने के बाद एक अलग अंदाज लगे, एक अलग नया फील हो, तो इसलिए सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। भैया ये क्या चीज़ है? लेपो फिश। और ये क्रैब्स। क्रैब्स ये क्या रेट दे रहे हो आप? 500 और ये 400 रुपये। थैंक यू। पर इतना बड़ा मुर्गा है कि पूरी दावत हो जाए गांव के लिए, तो भले ही एक के आर्ट है तो काफी अच्छा बना रखा है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर अभी जो सजावट होने लग गई है, यहाँ एक अलग मजा है इस गोवा का। और यहाँ पर पेड़ है और इनकी सुंदरता है, जो नारियल के पेड़ है, एक अलग और अलग मजा है इनका। तो मोटर बाइक काफी इंजॉय किया आज इसमें हमने, खूब मजा आया। तो और ये यहाँ पर की टू व्हीलर पार्किंग जहाँ रेंट पे मिलती है, मैंने और कल्पना भी रेंट पे बाइक ली है हम लोगों ने, स्कूटी। तो अब कल जाएंगे हम लोग कलंगूट। तो कल हम जाएंगे कलंगूट और आज हम अब जाते हैं रूम पर रेस्ट करने के लिए। मजेदार पल है आज के। तो ये है महादेव जी का मंदिर, भोले बाबा का मंदिर के दर्शन करके अभी हम निकल रहे हैं वापस कलंगूट को। हमने टू व्हीलर रेंट पे लिया हुआ है, यह कपड़ों की मार्केट पे। तो यहाँ की जो डिजाइन है, यहाँ की जो फैशन है, वो काफी मजेदार है। तो हम भी यहाँ से कुछ ले लेते हैं और जो पसंद आएगा वो हम ले लेंगे यहाँ से। तो टी शर्ट है यहाँ पर आई लव गोवा और जो नेकर है काफी कलरफुल है, तो मेरे दोस्त ने भी मंगाए हुए, ले जाता हूँ इनको। ये ₹300 ये 250 का, ये नहीं यार ये ठीक है, ये ज्यादा बड़े तो नहीं हो जाएंगे ना, ये ठीक है यार 3XL है। भैया ये कितने का बताया आपने? 300 का है ये, इसको ले लेता हूँ एक क्या दो ले लेता हूँ। भैया अलग अलग प्रकार की टी शर्ट है, जैसे हमने सुधरंगे आई लव गोवा, तो कई सारी चीजें लिखी हुई हैं। और एक जो यहाँ के नेकर हैं ये बहुत अच्छे, जो इनकी डिजाइन है बहुत अच्छी डिजाइन है यहाँ पर, आई लव गोवा लव माई इंडिया। दोस्तों समाप्त करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में कुछ नए अंदाज के साथ, कुछ नए मौज मस्ती के साथ। बाय बाय।